गुड़िया फैशन फूड फैक्ट्री। आज मैं आपको सिखाऊंगी बेसिक गले की कटिंग बुकरम पर किस तरीके से होती है, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिन्होंने पहले कभी कटिंग नहीं किया, उनके लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। तो मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा और आपको सारे पॉइंट इसमें क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करिए, मैं दोबारा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूँगी। तो बुकरम जो हम गले के लिए लेते हैं उसको चेपी बुकरम कहते हैं, या फिर गला बनाने के लिए बुकरम कहकर भी आप लोग ले सकते हैं। मैं इस वक्त आपको पेपर पे बनाना सिखा रही हूँ, आप ये लोग बुकरम पे करेंगे। बुकरम लेंगे और उसको हम फोल्ड कर लेंगे डबल में, बिल्कुल सेंटर पॉइंट बना लेंगे उसका। और जो फोल्डिंग साइड होगी वो मैं अपनी तरफ रखूँगी और जो ओपन साइड होगी हम वो दूसरी तरफ रखेंगे। अब हम एक मेजरमेंट टेप लेंगे और यहाँ से हम बिल्कुल स्टार्ट पे रख के हम अपनी ब्रॉडनेस देखेंगे, नेक की ब्रॉडनेस। कुछ लोग 6 इंच ब्रॉड पहनते हैं, कुछ लोग 7 इंचेस ब्रॉड पहनते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना ब्रॉड पहनना चाहते हैं। मैं यहाँ पर 6 का डबल करूँगी 3, और मैं इसको 3 इंचेस पे रखकर काटूँगी, क्योंकि मैं इसको डबल करके हाफ करके कटिंग कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसका हाफ ही मेजरमेंट लूँगी। तो 3 इंचेस ऐसे मैं लेकर एक मार्क लगा दूँगी। उसके बाद मैं कितना डाउन जाऊंगी, मतलब कितना डीप गला पहनना चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप 6 इंच डीप गला पहने, तो आप 6.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, आधा इंच जो है सिलाई में जाएगा। अब आप इस पॉइंट पे जो आपने 6.5 लगाया है, यहाँ से भी एक 3 इंच का निशान लगा लेंगे और इसको ऊपर वाले निशान से मिला लेंगे। इस तरह एक ये बॉक्स बन जाएगा। इस बॉक्स के अंदर अब आप कोई भी शेप देना चाहते हैं, वी शेप देना चाहते हैं, राउंड शेप देना चाहते हैं, कोई भी शेप देना चाहते हैं इस बॉक्स के अंदर आप दे सकते हैं। अभी मैं आपको इसमें राउंड शेप देना बताऊंगी कि राउंड शेप किस तरह देते हैं। इस कॉर्नर से, ये जो हमारा कॉर्नर है, यहाँ पर मैं 1 इंच तिरछा ऐसे निशान लगाऊंगी। अब इस पॉइंट से मैं अपनी गले की शेप दूंगी। ये देखें, गोल गले की शेप मैंने दे दी है। अब उसके बाद हम बाहर वाली तरफ से कितना गैप रख के बुकरम को काटेंगे, वो ये देखें कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखना है हमने। 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखेंगे और यहाँ पर हम मार्किंग करना शुरू करेंगे इस लाइन के साथ साथ। अब मैं इस गले की कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसका सेंटर कट करूँगी, उसके बाद यहाँ से मैं इसकी जो बाहर वाली तरफ है वहाँ से इसको कट करना शुरू करूँगी। और अब मैं इसकी अंदर वाली साइड से इसको कट करना शुरू करूँगी। अच्छा, ये देखिए राउंड नेक तैयार है। अब ये जगह मैंने क्यों नहीं काटी कि अगर मैं इसको कट कर दूंगी तो जब मैं इसको इस बुकरम को जब मैं कपड़े के ऊपर चिपकाऊंगी तो ये ऐसे करके इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, ये कम और ज़्यादा होके चिपक सकता है। तो इसलिए मैंने इस हिस्से को नहीं कटिंग किया, ताकि ये बिल्कुल जितना मैंने 6 इंच ब्रॉड रखा है उसी पर ये चिपकाऊँ मैं। अगर ये कट कर देंगे तो एग्जैक्ट 6 इंचज़ पर कभी भी चिपकेगा नहीं, ये आगे पीछे हो सकता है इसकी ये जो साइड है, ठीक है। इसलिए इसको मैंने यहाँ से कट नहीं किया। लेकिन जब हम सिलाई लगाएंगे तो हम यहाँ से अपनी सिलाई लगाना शुरू करेंगे थ्रू आउट द नेक, और यहाँ पे जाके हम फिनिश करेंगे। तो यहाँ से कटिंग जब करेंगे तो ये हिस्सा कटिंग में निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसी तरीके से एक वी गले की शेप भी बताऊँगी कैसे बनाएंगे।